वैसे कंडीशन में आपकी जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा 20-5 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मान कर चलिए ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन की फिर अभी भी आप पश्चिम में ही है और अभी भी आपकी चाल क्या है, 20 किलोमीटर पर आवर है और हवा की जो चाल है, हवा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इस बार हवा पीछे से आगे की ओर नहीं आपके साथ साथ चल रही है, ठीक है। इस बार हवा जो है ना वो आपके साथ साथ चल रही है, तो आपका जो स्पीड होगा वो 20+5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। मतलब हवा के साथ चलने पर व्यक्ति की चाल क्या हो जाता है, कर जाता है। तो ये तो सिंपल कंडीशन था। अब हम लोग बोट एक स्ट्रीम का करें जो बिल्कुल एक शांत जल में खड़ा है। शांत जल का मतलब जल दो प्रकार का होता है, जितने पानी का बहाव जो बनता है उस तरह का होता है। एक होगा कि बिल्कुल पानी स्थिर रहता है, मतलब कहीं पानी निकलने का कोई जगह नहीं है, जितना है उतना भी बिल्कुल हिलेगा डोलेगा नहीं। तो मानकर चलिए कि आप एक शांत जल में है, ठीक है, शांत जल में है और शांत जल में एक नाव है, जिस अगर हम मानकर चलिए कि नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, नाव की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा कहेंगे, तो आपका नाव पश्चिम की ओर जाए या पूरब की ओर जाए, क्या उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? एकदम स्थिर रहेगा, क्योंकि ये जो पानी का बहाव कुछ है ही नहीं, पानी एकदम क्या है, स्थिर है। तो वैसे कंडीशन में शांत जल में नाव की चाल पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा, वह x किलोमीटर प्रति घंटा था, x किलोमीटर प्रति घंटा है और x किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगा। अब पहला कंडीशन, अब जो है ना, अब शांत जल के जगह आप किस जल में आ गए, बहाव जल में आ गए। बहाव जल मतलब इसके इसमें धारा भी चल रहा है। मान कर चलिए इस नाव की जो चाल है वो आप क्या माने हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा, ये जो पानी है ना, पानी की बात है ना, उसका भी जैसे अगर तालाब वगैरह में तैरते होंगे तो पानी लग रहा है कि आपके साथ जा रहा है, मतलब आपको पीछे क्यों गिर रहा है, तो आप स्पीड में तैरिएगा। अब मान कर चलिए आगे की ओर हम तैर रहे हैं, उधर से ही पानी आ रहा है, तो नहीं लगेगा कि मतलब कितना भी जा रहे हैं फिर भी वही बैठते हुए। तो शांत जल में नाव की चाल हम अगर x किलोमीटर प्रति घंटा माने, बहाव चल या धारा की चाल लिखे, धारा की चाल अगर हम 5 किलोमीटर प्रति घंटा माने, तो कहेंगे पहला फॉर्मूला कि शांत जल में नाव की चाल अगर x किलोमीटर पर, शांत जल में नाव की चाल अगर हम x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं और धारा की चाल, जब धारा आएगा तो शांत नहीं रहेगा, ठीक है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो पहला फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला नंबर पहला कि धारा के साथ नाव की चाल, बताइए बढ़ेगा कि घटेगा, धारा के साथ साथ चलेगा, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो और धारा के विपरीत नाव की चाल x-y, तो फॉर्मूला इसको भी बनाइएगा नाम के नाम, तो क्या माने थे x-y और इसको हम मान लेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक सवाल आएगा कि इस तरह का कंडीशन रहेगा कि मानकर चलिए कि अगर आप किसी तालाब में धारा के साथ चल रहे हैं तो आपकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर उसी तालाब में आप धारा के विपरीत चल रहे हैं तो आपकी चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उस अगर तालाब में धारा प्रवाहित ना होता तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगा, तो कहेंगे शांत जल में, फॉर्मूला नंबर पहला, शांत जल में नाव की चाल बराबर फॉर्मूला होता है a+b/2 और दूसरा होगा धारा का तो चाल होगा नहीं, धारा का क्या लिखेंगे, वेग लिखेंगे a-b/2 किलोमीटर बराबर, और यहाँ भी किलोमीटर बराबर, चारों को समझा देंगे, इसको उतारिए था पहले, बस फॉर्मूला इतना ही है, बोट एंड स्ट्रीम खत्म, आधा आधी बोट एंड स्ट्रीम आज ही खत्म कर देंगे, पीछे चल जाओ एकदम। बोट एंड स्ट्रीम टॉपिक से लग रहा है कि नाव धारा पढ़ेंगे, जो तालाब वगैरह में चलता है वही वाला ना, हाँ, तो मानकर चलिए कि ये एक तालाब है, सपोज दैट करना है, ठीक है, और इसके बीच में एक हम नाव को बनाते हैं इस तरह से, कंडीशन ऐसे, पढ़ने पर ध्यान दीजिए, ठीक है, तो ये एक बोट है, ठीक है,
तो इसमें क्या क्या कंडीशन होगा अगर मान कर चलिए, ठीक है, कि अगर शांत जल में डिस्कस करें, शांत जल में एकदम धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली आपका। तो मान कर चलिए जैसे कभी कभी आप लोग कंडीशन देखे होंगे कि जैसे अगर आप तालाब में तैर रहे हैं या उतना कंडीशन नहीं भी बना होगा, मतलब वो सब घटना नहीं भी घटा होगा, तो एक घटना देखे होंगे कि गांव से अगर जो स्टूडेंट सर्किल से आता है तो उसके साथ दो कंडीशन बनता है। एक कंडीशन क्या बनता है, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन के देखते होंगे कि कभी कभी हवा जो है बिल्कुल शांत रहता है, नहीं, हवा जब शांत रहेगा तो आप जिस गति से साइकिल चलाइएगा उसी गति से आपको आएगा। जैसे मानकर चलिए कि आपको पता है कि 5 मीटर की दूरी 15 मिनट में हम तय कर सकते हैं, ठीक है, तो वो 15 मिनट ही लगेगा, 16 मिनट आपका नहीं लगेगा अगर आप औसत गति से चलिएगा तो। दूसरा कंडीशन क्या बनेगा, मानकर चलिए कि आप साइकिल से पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर जा रहे हैं और हवा देखते हैं जब चलता है, हवा मानिए कि आपको आगे से पीछे की ओर फेल रहा है, मतलब आगे से चल रहा है, वैसे कंडीशन में नहीं लग रहा है कि हम जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से हमको चलने नहीं दिया जा रहा है। प्रतिरोध जिसको बोलते हैं रेसिस्टेंस, 12th फिजिक्स में जो पढ़ना हम लोगों ने, प्रतिरोध जो है वो धारा का विरोध करता है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या है कि अगर मानकर चलिए कि जिस गति से आप चल रहे हैं हवा आपको आगे से पीछे की ओर खेल रहा है, तो मानकर चलिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल से चल रहे हैं तो उसका गति थोड़ा थोड़ा कम जाता है, 8, 10, 12 ऐसे हो जाता है। एक कंडीशन ये हुआ, यानी एक चीज फिक्स है कि हवा के विपरीत अगर हम चलेंगे तो हमारी चाल क्या हो जाएगा, घटेगा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि हम पूरब से पश्चिम की ओर चल रहे हैं और हवा भी हमको इसी दिशा की ओर फैल रही है, तो नहीं लग रहा कि एकदम मतलब आराम से बढ़ रहे, मतलब स्पीड जो है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए मानकर चलिए कि आप जो है यहां पर है, ये पश्चिम दिशा है और आपको जाना किधर है, पूरब दिशा की ओर, ठीक है, और आपकी चाल जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा जो है वो आपको विपरीत दिशा में खेल रही है और हवा की चाल ज्यादा नहीं, हम मानकर चलते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, आपकी चाल क्या है 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा की चाल क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है और हवा आपको फोन भी बजे